हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड, लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमें हमने पढ़ा था इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन। उनमें से हमने ये कंडीशन पढ़ ली थी, केस अगर ए अपॉन ए नॉट इक्वल टू बी अपॉन बी। अगर फ्रेंड्स ये इक्वल हो तो उस कंडीशन हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, ये केस हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हमारे पास प्रॉब्लम है ए अपॉन ए इक्वल टू बी अपॉन बी, यानी ए बी माइनस बी ए इक्वल टू जीरो हो तो उस कंडीशन हम कैसे सॉल्व करेंगे। लेट ए अपॉन इक्वल टू बी अपॉन बी इक्वल टू वन अपॉन एम, यानी कोई पॉइंट होगा क्योंकि अगर दोनों इक्वल हैं तो ए बी किसी वन अपॉन एम के इक्वल होंगे। तो उस कंडीशन हमारे पास क्या आ सकता है, ए बराबर ए एम एंड बी बराबर बी एम, ये हो गया। तो यहाँ से हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में, इसमें हमने ए और बी की वैल्यू पुट की तो एम कॉमन आ गया, तो ये आ गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और ये भी आ गया हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस जो कैपिटल सी था, ये आ गया हमारे पास। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू जेड मान लिया, तो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू जेड मान लिया तो हमारे पास ये हो गया ए प्लस बी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर है वन अपॉन बी डी जी डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस ए। सो ए वन अपॉन बी डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस ए बराबर जेड प्लस सी एम जेड प्लस सी। तो ये हो गया डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू बी जेड प्लस बी सी एम जेड प्लस सी प्लस ए। सो ये क्वेश्चन जो है वो कैसी है हमारे पास में, सेपरेट टाइप की प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे जेड का फंक्शन है, एक्स का फंक्शन कहीं नहीं है इस टर्म में, तो जेड की टर्म ले जाएंगे और उसको हम सॉल्व कर देंगे। तो हम इसका एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने एग्जांपल लिया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन वन, सॉरी एक्स प्लस वाई प्लस वन अपॉन टू एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री। यहाँ पर हम देखते हैं तो ये जैसे ये ए है तो ए अपॉन कैपिटल ए बी अपॉन कैपिटल बी बराबर हैं, तो उस कंडीशन में इसको मैं लिख सकते हैं वन अपॉन टू बराबर वन अपॉन टू, ये बराबर हैं। तो उस कंडीशन हम इसको जो हमने सेपरेबल टाइप की प्रॉब्लम पढ़ी थी पहले फर्स्ट वीडियो में, उस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते। जो हमने अभी मेथड पढ़ा है उस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, टू यहाँ से कॉमन ले लिया है तो टू इसमें से कॉमन ले तो एक्स प्लस वाई एक्स, यहाँ से यहाँ तो ये टर्म थी एक्स प्लस वाई प्लस वन या टू एक्स प्लस वाई प्लस वन। ये फिर जरूरी इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम टर्म में जो कॉमन ले रहे हैं वो नीचे वाला ही कॉमन लें, हो सकता है अगर हमारे पास ऊपर से कॉमन लेना ईजी हो तो ऊपर से कॉमन ले सकते हो आप। अगर जैसे ये होता कि ये टू ये टर्म ऊपर होती ये टर्म नीचे होती तो उस कंडीशन में टू ऊपर से कॉमन लेते हैं। तो ये हो गया टू एक्स प्लस वाई प्लस वन। अब लेट एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड, तो ये हो गया वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस वन। तो डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस वन इक्वल टू आ गया जेड प्लस वन टू जेड माइनस वन। तो डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ गया जेड प्लस वन टू जेड माइनस वन प्लस वन। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू थ्री जेड अपॉन टू जेड प्लस वन। तो ये आ गया हमारे पास सिंपली इधर डी जेड वाले टर्म को एक तरफ ले गए और एक्स के टर्म को बदल ले गए, तो टू जेड प्लस वन अपॉन थ्री जेड और डी जेड बराबर डी एक्स। तो ये आ गया हमारे पास टू अपॉन जेड प्लस सॉरी टू अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन थ्री जेड और डी जेड डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन किया तो टू अपॉन थ्री जेड प्लस वन अपॉन थ्री लॉग जेड इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब ये आ गया तो पुट वैल्यू ऑफ जेड, जेड की वैल्यू पुट की तो टू अपॉन थ्री एक्स प्लस वाई प्लस वन अपॉन थ्री लॉग एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी, जो कि इसका आंसर है।